जून पिछले 24 घंटों में स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है। हाईएस्ट रेनफॉल था मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में कप्तेपदा 48.0 मिलीमीटर, उसके बाद कंधमाल डिस्ट्रिक्ट का कोटागढ़ 46.0 मिलीमीटर, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट लाइकेरा 43.0 मिलीमीटर, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट का जी उदयगिरी 35.2 मिलीमीटर। और अभी हमारा सीजनल रेनफॉल 1 जून से आज 27 जून तक टोटल रेनफॉल उड़ीसा में हुआ है 118.1 मिलीमीटर। इस समय तक स्वाभाविक होता है 186.1 मिलीमीटर, तो 37% कम हुआ है। बट अभी हमारा मॉनसून सेट इन होने के बाद 16 जून से 27 जून तक रेनफॉल हुआ है 97.0 मिलीमीटर। इस समय तक स्वाभाविक होता है 106.8 मिलीमीटर, और ये स्वाभाविक रेंज में ही है। अभी हमारा डेफिशिएंसी भी 16 जून के बाद मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में कम हुआ है। ज्यादा डेफिशिएंसी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, पुरी, केंद्रपाड़ा, सुंदरगढ़, 60% और मोर डेफिशिएंट है। अगला 5 दिन का अभी जो हमारा फोरकास्ट रहेगा, इसमें नेक्स्ट 24 आवर्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश साउथ इंटरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, गाजीपति नंदन डिस्ट्रिक्ट में भी मेनी प्लेसेस में होने का चांसेस है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में स्कैटर्ड वे में रेनफॉल एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ होने का चांसेस है। मलकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी, रायगढ़, कंधमाल, गजपति, गंजाम, मयूरभंज, बालासोर, जाजपुर, भद्रक डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। फिर कल भी हमारा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ही बारिश रहेगा साउथ इंटीरियर में मेनी प्लेसेस में, गजपति, गंजाम, बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ में भी मेनी प्लेसेस में होने का चांसेस है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर होने का चांसेस है। फिर 29, 30, 31 एंड 1 जुलाई इसमें रेनफॉल एक्टिविटी स्लाइट इंक्रीज करने का चांसेस है। इसमें मेनी प्लेसेस में ही हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, लाइट रेन कुछ कुछ एरिया में होने का चांसेस है।